सेप्टेम्बर 8 तारीख दिन रिलीज हबा पई जाउची भैरव। सो आज भैरव प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड चुलबुली अभिनेत्री अच्छा जहां सहित ढेर सारा कथा हवा चल स्वागत करवा अजनय मीडिया प्राइवेट लिमिटेड भैरव चलचित्र टीम को प्रोड्यूसर अच्छा प्रभात भाई आपको बहुत बहुत नमस्कार एंड कंग्रेचुलेशन आपंकर नुवा फिल्म पे एंड एल्सा अच्छा हाय एल्सा एंड बापी भाई जो कि कैमरा पछरे सब बेले रुवंती बट कैमरा सामने को आछन हम कैमरा रे सो मितुन जी भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय दैछती एंड कैमरा आगु को आछन कैमरा ठीक ठाक अच्छी तबे बापी जेतु डायरेक्टर गोटे डिफरेंट अंदाज जोटे की रोमांटिक स्टोरी फाइटिंग एक्शन सब किछ इथरे भर्ती करछथि डेफिनेटली मो पूर्व सिनेमा ठो एटा टिके जते गुडी सिनेमा मो अतीत रे करछि ताठो एटा डेफिनेटली टिके डिफरेंट डिफरेंट इन द सेंस दी स्टेप ऊपर मध्यम रखी चीज को एथरे कौन सी माने सेमती किसी आपन पाइबे नि माने गोटे चिराचरित प्रेम कहानी से सेमती किसी घटना एथरे कहीं ना ट्रेलर रु भी टिके एक्जेक्टली एक्जेक्टली फुल सस्पेंस गोटे नुवा टाइप रो स्टोरी आम चारि पाखरे घटुथिबा घटना को नेकी गोटे कहानी आ गोटे डिफरेंट स्टोरी जो डिफरेंट हम कहू जे आपन कहले कि रोमांटिक न है ताले कोन भाबीबा थ्रिलर सिनेमा भाबीबा रोमांटिक ना तो आज का मार्केट चलो ना सब जिन फेंटा फेटी रही तो से पट्टा को संभाल पपू पंपम को नहीं चुके रोमांटिक पट्टा कमेडी पट्टा संभाल साथ आपने सीखा हमारे उड़ीसा से और कैसा लगा आपने फर्स्टली इतना वार्म वेलकम मिला है मुझे उड़ीसा इंडस्ट्री में सो बहुत अच्छा लग रहा है एंड दिस इज माय फर्स्ट फिल्म भैरव तो बापीदा के साथ काम करके मुझे बहुत बहुत मजा आया बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे एंड एज भैरव इज अ फुल पैकेज एंटरटेनमेंट सब कुछ है उसमें थ्रिलर भी है एक्शन भी है कॉमेडी भी है रोमांस भी है सब कुछ है एंड प्रभात भाई के साथ काम करके बहुत मजा लगा कि आई एम लकी कि उन्होंने मुझे चांस दिया प्रोड्यूसर सागर बोल सकते हैं कितना उड़िया सीख गई हो आप समझ लेती हूँ बोल भी लेती हूँ टिकी टिकी मुँह उड़िया कहिबा को चेष्टा करूछ क्या बात ओके पप्पू पंपम के ऑपोजिट में आप हैं हाँ एंड ही इज द मास्टर ऑफ कॉमेडी तो कितना मजा किया और कितना बहुत क्या कुछ सीखा सीखने को तो बहुत कुछ मिला है उनसे ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन बहुत मजे किए हम दोनों ने मिलके बापीदा हैज सीन एवरीथिंग तो एंड एज यू सेड कि वो यहाँ कितने बड़े स्टार है फेमस स्टार ऑफ उड़ीसा तो थैंक गॉड कि मुझे उनके साथ काम करने को मिला रहेंगे ना थैंक्स टू हिम कि उन्होंने मुझे उनका ऑपोजिट कास्ट किया बोथ ऑफ देम प्रभात भाई आपन पुनी गोटे जबरदस्त फिल्म नहीं की आसुचंती एंड कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी आपन लास्ट फिल्म जदी देखिबा धर्म बैड गर्ल सिटी के डिफरेंट अंदाज रथिला ए जो स्टोरी ए कांसेप्ट को नहीं उड़ीसा रे वर्तमान जो सिनेमा इंडस्ट्री जो भली भाबे ग्रो करूची एंड जो भली सिनेमा आसुची एवं सिनेमा को नहीं की गोटे रिस्क मध्ये आसुची प्रोड्यूसर भाबे तो आपन भाबुचो इट्स अ रिस्क और ना मो दर्शक मान पई गोटे डिफरेंट स्टोरी मु देबा पई चेष्टा करबी सब बेले देखो मु तो पर्सनली दुई जो दुईटी करी दुईटा आपण भी देखते बैड गर्ल गोटे नारी केंद्रिक पिक्चर थिला धर्म भी गोटे थिला से गोटे समस्ते ना से गोटे फैमिली पैकेज थिला घर लोक बस तो डिफरेंट करिया पे जेबे भी करी गोटे गोटे नुआ कांसेप्ट रो पिक्चर करी ट्रेंड वर्तमान चलछि ओडिसा जो लव रोमांटिक फाइट होइस देखि देखि लोक सेम ट्रेंड सेम ट्रेंड तो रिस्क तो निश्चित भाव पिक्चर रे अछि तथापि भी बापी ऊपर तो मोर ओवर कॉन्फिडेंस कारण से मोर धर्म पिक्चर आगुरी भी करिसन असिस्टेंट डायरेक्टर हिसाब से जहाँ ता परठो डायरेक्टर बहुत खुशी जे एते बाटो भी बहुत पळेले नि मते भी पिक्चर बहुत एक्चुअली स्क्रिप्ट ते बसिक आलोचना हमें एटी गोटे थैंक्स देवी सार को जे कि एत बड़ रिस्क नहीं कहीं आफ्टर अल पैसा तो खर्च होती ना तो समस्ते चाहते कि अरे अरे एम सिनेमाटा ओके ओके ठीक अच्छे यहाँ करदे गोटे डिफरेन्ट स्टोरी गोटे टोटाल रिस्क मैटरटा को लेकर एत बड़ रिस्क नाटा गोटे से मेनि मेनि थैंक्स टू हिम प्रभात भाई एक्सपेक्टेशन बढ़ जाइटा खटके फिल्म मुझे ओवर कॉन्फिडेंस निश्चित भाव ओडिसा दर्शक जिते भी अच्छा
बहुत दिन पर कहे गोटे सिनेमा ये भी किए कौन कर मोर निज साटिस्फाए मु दर्शक करा दर्शक सी विषय मत भी जना तो मुझे जाणीचे पिक्चर जो भाई न्यू आर्टिस्ट समस्त बेस्ट एफर्ट दे कैंट इमाजिन इट कला पागल से पिलाटे असित बोली गोटे कला पागल पिला जीवन गोटे इंजीनियर डिग्री इंजीनियर चाकरी छाड़ी मान ओडिशा छाड़ी सुदूर बॉम्बे जाएगी स्ट्रगल करुच्चे मार्केट मत चाकरी दरकार ना पैसा दरकार ना मुझे कला टा लोक देख बापी तो छाड़ कौन कह स्वप्न बहुत हुए बापी पूरण कर डिफरेंट स्टोरी डिफरेंट अंदाज तो स्टोरी सुनी थे भाभी कि यस मो पाई मो पाई मो कैरेक्टराइजेशन को देखे स्कोप अच्छी हाँ बहुत स्कोप थिला मो कैरेक्टर रे तो एक्चुअली ये स्टोरी इतना अच्छा था तो अगर मुझे इसके बारे में सेकंड टाइम सोचना पड़ता तो शायद मैं बेवकूफ हो जाती तो दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी सेड दैट इट्स सच अ गुड स्टोरी तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड आई एम प्राउड ऑफ इट आई एम प्राउड ऑफ दिस टीम कैसा रोल है आपका चुलबुली सीरियस चुलबुली मुंह फट कुछ सोचती नहीं है बोलने से पहले बहुत चाइल्डिश है मजेदार है हमेशा एकदम यू नो चिंता करते स्टोरी रू हम चिंता करते इलू भाई करेंगे ना आप भी भाई आउ पारे ना ना जिते आम प्रथम स्क्रिप्ट बसलु से भाई इलुदा ही कले बेस्ट एफर्ट मिल पार हाँ से दादा आप गोटे कम करेंगे दाढ़ी टी बढ़े आई भी वर्कआउट करते क्यारेक्टर को लेकिन क्यारेक्टर को पूरा बुझी कंटिन्यूसली मो सहित भी टचरे रही थे दाढ़ी ये बढ़ला ये बढ़ला ना आउ बढ़ उड़ो बोला नहीं सी पाचिला दाढ़ी ओरिजिनल दाढ़ी मोर दरकार तो सी बहुत मेहनत करते दादा थैंक्स थैंक्स तापर भी गोटे सुटिंग सेट रे भी गोटे इनसीडेंट घटी गोटे जगार पड़वार सी ओरिजिनल से पड़ी थे देह कंटा फुटिक डायबिटीज से घा हो जाए बहुत जोर से पूरा ट्रीटमेंट रे बहुत मेहनत करजिनाल गोटे मशाणी सुट करजिनाल संबल सब पोप था ये था भी सी पड़वर थी मैंने से किसी देखी ना क्यारेक्टर तेनाली पड़गले पचर बहुत कष्ट दादा प्रड्यूसर को प्रड्यूसर को खुशी लगे कि प्रड्यूसर को कष्ट लगे कि जो आर्टिस्ट एमती पेनफुल एक्टिंग देखा नहीं कष्ट तो निश्चित लगला जेहेतु से 15 दिन बेड रेस्ट थे गोड़पाई से भी थे आम हिरो असित भी आपन भी सोशल मीडिया देखिए गोड़ बैंडेज हो फोटो भी सब छटा से खुशी एथपे लगला जे से माने ए जो हमर यूनिट सेट रे एते निज को भोळे जायतले कोंटा पत्थर किछ भी मानी नांती कारण एटा नेचुरल सीन टा मसाणी ऊपर शूटिंग हे जे आपण तो निजे जानिथिबे मसाणी रे को भली परिवेश थाए कोटी खपरा कोटी कोन पड़ी थाए बिना पात खाली गोड़ रे जो आपण काम करिय छोटो पिलाटी शुभम जे मो बंधु शिशिरंकर पुओ से भी सेंती किसी भी खातिर न कर रोल करछ अपन देखिबे पाए बहुत सुंदर करिछ सुंदर फर्स्ट टाइम वन टेक शॉट आर्टिस्ट क्या बात ए डायरेक्टर ही कहिबे बहुत बढ़िया करछ त माने नेक्स्ट फ्यूचर हीरो आमे कहि परबा हां आ कोनती गोटे सेट जेते दी जण हीरोइन थांदी टेम्परम अलगा अलगा प्रकार रो दी जण हीरोइन को सेट रे संभालेवा सहज थिला ना कष्ट थिला सहज थिला ऑब्वियसली उभय सेट पे कि अहना जो है वो मेरी लवर है बहुत यू नो बहन की तरह रहते थे तो ऐसा कुछ नहीं है फिर भी अगर ऐसा अगर थोड़ा रोल उनको ज्यादा मिल जाए या आपको कम मिलता था बापी भाई मुझे ज्यादा क्यों नहीं दे रहे ऐसे नहीं बोल रहे नहीं नहीं दी जन का कैरेक्टर पूरा बैलेंस कर बैलेंस बैलेंस सही है दी जन का कैरेक्टर आपको तो बहुत बड़ा चैलेंज थी एक्चुअली पिक्चर में बने एल्सा का कैरेक्टर जो जहां भी होती से तरह टिक करते से कैरेक्टर टे वाइटल कैरेक्टर है ना जो कैरेक्टर टे करी छी
साधारणतः गोटे न्यू कमर करिवा बहुत कष्ट आपण सिनेमा देखिले देखिला परे कहिबे इत्ते बोल्ड तादर एक्टिंग अछि माने न्यू कमर वन टेक रे फास्ट डे रे जे करिवे त इजी न आपण देखिबे एटा साधारण कैरेक्टर न बहुत बडो कैरेक्टर आउ से बहुत भलरे भी प्रेजेंट करचेंदे ये तो चले ता कैरेक्टर को बेस कर के सी भी तारा जितनी एफर्ट दबा कर चुलबुली कैरेक्टर बहुत भल भी कर सी भी ता कैरेक्टर उभय 50-50 किंतु बट समस्त उभय सेम एफर्ट दे छन मु कहा को कम गोटे परसेंट मार मारे 50-50 गोटे बड़ सॉल्टी एंड गोटे बड़ स्वीटी निश्चित हमें डायलॉग कथा अटकी आइ थिले हां डायरेक्टर अछन माने हमें कहबो के अपन डायरेक्शन देबे एंड एक्टर मत सब एलसा गोटे सीन मत सब जो मानते जो चाहूली से जो 100% बेस्ट सब सीन भल कर बट मुझा चाहूली से जो वे रे प्रेजेंट कले ऑडियंस मैंने तो डेफिनेटली सैल्यूट करेंगे इन क्लाइमैक्स देर इज नो डायलॉग क्लाइमैक्स गोटे भी डायलॉग ना किंतु तांका एक्सप्रेशन को लोक सल्यूट करिवे 100% क्या बात तो से सीन मु सब एन्जॉय करथिली तांका बेस्ट सीन मु जोटा भाबीथिली कने विदाउट डायलॉग रे गोटे 15 मिनिट रो सीन 15 मिनिट रो क्लाइमैक्स तांकर गोटे भी डायलॉग नै ओनली एक्सप्रेशन 15 मिनिट ओनली एक्सप्रेशन तो सेटा को से मु जहा भाबीथिली 100% दिसन ऐसा ये बुरा लगता है 15 मिनट ऐसे खाली खाली खड़े रहो विदाउट एनी बहुत टफ है मतलब डायलॉग से भी ज्यादा प्रेशर वहां पे बिकॉज़ यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू शो जो भी करना एक्सप्रेशन के साथ चेहरे के साथ ही करना है कोई मिनिमम 200 क्राउड ताके सामने 200 क्राउड माने अरेंज हेतला 200 क्राउड को सामने रे नो डायलॉग्स ओनली एक्सप्रेशन तो से सीन से सिचुएशन एमती थिला जे माने सी भी मते किछि पछरी पड़ माने मु 200 लोक जमा आइछंती 200 लोक मु नै के काम करबा केते डिफिकल्ट तो से प्रेशर रे मु थाए तांकर से डायलॉग नै ओनली एक्सप्रेशन कोन करिक देखौ थाए से एग्जैक्टली से कर थांती तो सेटा मते बहुत खुशी लागथि थैंक गॉड आज उन्होंने यू नो तारीफ कर दी मेरी बहन उस दिन पूछा था उनको आज मुझे आंसर मिला थैंक गॉड ये होता है मेहनत का फल मीठा फल तो अपन एक्शन कर ले से डायलॉग कर हां रेडी एक्शन अरे नहीं कैमरा लाइट्स एक्शन एमटी वाला को मतलब वो सिचुएशन मतलब नहीं तो पब्लिक समझे कहां से क्या डायलॉग बोल रहे टैंक क्यों एटलीस्ट से मु को जी सिचुएशन को दिन सिचुएशन दर्शक जत हॉल ले देखिबे से रिकॉल करि परिबे एवं रिलेट करि परिबे मजा लागियो सेही सिचुएशन का डायलॉग है सेही सिचुएशन का डायलॉग सेही सिचुएशन गिव द क्यू दे दीजिए अरे मां तते पर कोन कहो जी तते सुना जाउनी हाँ, चाल ताकु से जेल रु मुकले दबा नहीं मु जेल जीबी तो सिर्फ मेडल आनिबा को पाई मेडल को मेडल अभिजीत मजुमदार ये गीत कुछ एंड पप्पू पंपा मान अभिजीत ता जतर धांदी से गुडे यूनिक बाहर है ओटे तंकर तो सीजन बहुत जोड़ी बहुत अभिजीत दादा सहित मोर भी बहुत अतीत डांस नंबर दरकार डिस्कशन करसन कर डांस नंबर दरकार तापर जेहेतु पूजा बजार रो सिनेमा माहौल तो टिके डीजे पाई टिके दरकार यंग मास को पाई डीजे पाई टिके दरकार सेति पाई दादा को एटा गोटे कराइतला तो समस्त पसंद करथले निर्मल सर भी लिखचंती जे टाइटल गीत ठारो नै कि जति हम देखिबा आइटम गीत हो बा ई साबुन हो सब गीत ओडी को बहुत बहुत सुंदर हिची चारोटी गीत चारोटी जक एक से एक बढ़कर गोटा को अपन कम कोई परिवे नहीं okay. बेसिकली तो अपन साबुन लगे दो आ टाइटल सॉन्ग टा दीटा तो ऑलरेडी व्यूअर्स माने बहुत पसंद कर बहुत लाइक कर लेने नियर अबाउट बहुत 2-7 लाख सोले वर्तमान लाइक अछि अपन देखि परिवे फेसबुक रे सो भुवनेश्वर कोठी रिलीज होछि 8 तारिख श्रिया श्रिया अच्छा प्रसिद्ध स्टार मन को सहित दर्शक पाइबे इवनिंग शो प्रीमियर शो जयश्री
इवनिंग शो टा सब आर्टिस्ट हमर रहिबे सब आर्टिस्ट सब आर्टिस्ट ओके साधारण दर्शक देखि परिबे स्टार्स मानक सहित देखि परिबे इंटरेक्शन दर्शक पई सिनेमा दर्शक काई देखि परिबे एको पई सिनेमा सो महाबुचे एठी डिक्लेअर कर देबाटा भलो होबो माने हमर टीम अछन्दि भैरव टीम तांका अनुमति रे सो आमे चाहौ छु आमे दर्शक मानक आमे किछि प्रश्न रखिबो आगामी दिन रे भैरव को नेकी एवं आपन तांको सिनेमा देखिबार सुजोग देबे 100% केवल भुवनेश्वर रे ना ओडिसा सारा जेउठी करबे जेउठी ओडिसा क्या बात है देखो तो आपन पई हम टिकट मांगि दिछु ठीक अछि ओडिशारे भी आम ओडिया फिल्म भी ए रेंज रो ए ढंग रे भी हेई पारे आमे से धन्यवाद देबे आम प्रोड्यूसर शिशिर बाबू और प्रभास सर को जे कि कौन सी एंगल रे आमे कंप्रोमाइज करिनु से लोकेशन रे हौ से कॉस्ट्यूम रे हौ आर्ट प्रॉपर्टी रे हौ तो मेकिंग रे जोटा स्क्रीन रे देखा जीवो आमे कौन सी एंगल रे कंप्रोमाइज करिनु एंड सबटु भल कथा हो जे कटक भुवनेश्वर रे ही आपण इति सुंदर जागा चूज कर छन हाँ, लोक भाबीबे कि आपण बाहर को जाछ लोकेशन ना ना ए केवल कटक भुवनेश्वर आमरी पानी पवन रो आमरी माटी पानी पवन रो सिनेमा आमरी माटी पानी पवन रे आमे को सारिछ क्या बात ए टु जेड गीत टु ने पूरा टोटल पिक्चर कटक भुवनेश्वर भितर कंप्लीट कर बाहर जगह भी लोकेशन यूज करिनु लगे टोटल आउटसाइड ऑफ ओडिसा रे शूटिंग केवल मशाणी टे जानतो जेहेतु कल्चर ओडिसा रो तो भीतर शो करुछि बट ओडिसा भीतर जो जिनसटा अछि जे हम बाहर जाई के देखबा कोनोसी नेसेसिटी नै एटा अपन देखिबे सिनेमा देखिबे केते ग्लैंजियर सिनेमा रे अपन पाइबे सब एडी बरते क्या बात बहुत भलो सो शिशिर बाबू जे आसी पार नांती से आसवर थला मु तांको जुग आसी बस निजु को माने से आस्तले बहुत बहुत खुशी होई थन निश्चय आगाम दिन हम चेष्टा करिया फिल्म रिलीज हला पर पुणे उठे डिस्कस करि परबा फिल्म को नेकी मधे सो आपन फाइनली मु दर्शक अगणित दर्शक माननकु हात जोड़ी विनम्र निवेदन करूची गोटे नोआ ट्रेंड आरंभ होबा को जाउची ओडिया इंडस्ट्री रे आसंतु देखंतु हॉल बाहरला पर कमेंट्स दियंतु एवं अगर जत्ते जनता आछंते तांको निमंत्रण करंतु ए सिनेमाटा देखंतु बाबूजी चेंजेस गोटे आसो निश्चिंत ये साधारण सिनेमा नुहे आपण आज पर्यंत बहुत ओडिया सिनेमा देखिछंती सिनेमा टी देखंतु यादर केते जे बापी को तो अशेष धन्यवाद देवी जे नहीं के सिनेमा टू के जगह पहुंचे पारछी पूरा डिफरेंट ओडिया रो संपूर्ण डिफरेंट आपण देखथिले सुंदर चुलबुली सब हीरो सुंदर हीरोइन सुंदर माड़ गोल ये सब थाए ये सिनेमा गोटे साइलेंट पिक्चर बहुत भल पिक्चर पूरा डिफरेंट फ्रम नॉर्मल पिक्चर लोक कहिबे आपण से दिन जेतरे प्रीमियर हबो 3 घंटा पर आपण भी कहि निश्चिंत सेकंड सोरे आपण कहे जहा कहुतले त संपूर्ण सत्य ठीक कहत बिल्कुल सो एल्सा कोलकाता रो आपण एंड छत्तीसगढ़ रे बहुत बड़ा हिट मूवी भी देई सरछन ओडिसा रे आपण पाद थापुचंती सो के कंती दर्शक को आपण नुवा फैन मान को आपण के हां मु ओडिसा रे नुवा एंड उड़िया सीखवा को चेष्टा करूँगी एंड बेशक उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग 8 सितंबर को आइए अपने नियरेस्ट सिनेमा हॉल्स एंड थिएटर्स में एंड भैरव देखिए एंजॉय कीजिए 2 hours and 30 minutes फुल ऑन एंजॉय कीजिए बिकॉज इट्स अ फुल एंटरटेनमेंट पैकेज एंड सो निश्चित सेप्टेम्बर 8 तारीख दिन आपण निकटस्थ प्रेक्षा आपण सिनेमा देखा जीवे और आगामी दिन में निहती भाव में भैरव को नहीं आम गोटे प्रश्न करूँ से आने सिनेमा देखी निपण मूवी थिएटर में आपको सिनेमा देखे सुजोग दबु आगामी दिन में कि सुजोग दूची कि स्वास्थ्य को लेकिन सचेतन चलो देखने कौन रही आज आप सनशाइन हॉस्पिटल तरफ।